अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इस टायर को हमने अच्छे तरीके से चमकाना है और ये टायर मैंने पहले वॉश कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं जो प्रोडक्ट यूज़ करूँगा वो प्रोडक्ट है फ्लेमिंगो का टायर जेल। ये पाकिस्तानी मार्केट में आपको 450 का या 500 रुपीज़ का ये आपको मिल जाएगा। आज के प्रोडक्ट में हम सीखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करें। इसके डिस्क्रिप्शन पे कुछ हिदायत लिखी गई है जो कि मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले इसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि अगर आप गाड़ी को वॉश करते हो, सपोज़ आपने अपना टायर वॉश कर लिया, ठीक है, जब तक ये खुद नहीं सूख जाता अच्छी तरीके से या ड्राई नहीं हो जाता, कहने का मतलब ये जैसे रहा कि मैंने ये टायर साफ़ किया और ये अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है, तो इन्होंने कहा कि ये ड्राई टायर के ऊपर अगर आप अप्लाई करोगे तो ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा, ठीक है। दूसरे इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी गाड़ी किसी धूड़ वाली मिट्टी वाली जगह पे आप लेकर जाते हो तो ये बाकी के मुकाबले में जितनी जेल आपको देखने को मिलती है उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम मिट्टी पकड़ेगा। मतलब कहने का ये है कि ये मिट्टी इतनी ज़्यादा नहीं पकड़ेगा। आउट क्लास जो है इसका वो है अपना शाइनिंग है, मतलब ये कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीम लेवल का हम इसको अपने एक्सट्रीम लेवल का हम इसको शाइनिंग देंगे। मतलब कहने का ये कि इसके ये जो शाइनिंग होगी वो अल्ट्रा किस्म की होगी, अल्ट्रा रीजन की होगी, ठीक है। दूसरा इसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि भाई आप इसको अब सनलाइट के ऊपर, अगर आपकी गाड़ी धूप में कड़ी है और इसके ऊपर धूप लगती है तो आप इसके ऊपर इसको बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करोगे। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये इन्होंने कही है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ भी रहा होगा, ठीक है, ये कहते हैं कि यार ये जब आप ये जेल टायर के ऊपर अप्लाई करोगे तो आपने 5 मिनट छोड़ के इसके ऊपर अपने माइक्रोफाइबर का या जो भी हो, इन्होंने माइक्रोफाइबर नहीं लिखा हुआ लेकिन उन्होंने कहा कि अच्छा टावल से आपने इसके ऊपर अपना टावल मारना है, लेकिन हम इस तरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी कौमी को थोड़ी बहुत गुस्साही तो ख़त्म करेंगे ना, ठीक है। तो हम इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, तो पूरा तरीका सीखते हैं। एक ये टायर है और 3 वो है, सब के ऊपर अप्लाई करेंगे। पहले यहाँ पर मैं एक टैप लगाऊँगा ताकि आपको आफ्टर और बिफोर का भी पता चल जाए, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा गाइस, हमारे पास इस तरह के फोम होना चाहिए, ठीक है, और लेकिन फोम की शर्त सिर्फ ये है कि वो फोम साफ़ होना चाहिए। ये साफ़ है या नहीं है ये आप देख लें, मतलब ये तो साफ़ है, जो भी फोम हो लेकिन वो साफ़ होना चाहिए। जिस तरह मैं ये करता हूँ सेम डिज आपने उस तरह करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये टाइप लगा लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, ये हम इस तरह उसको ओपन करेंगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। यहाँ पर इसके एक सील लगा हुआ है वो आपने रिमूव करना है, ठीक है, और फिर अपने फॉर्म के ऊपर आपने कुछ इस तरह, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो मैंने अभी अब ये डाला है बहुत ज़्यादा है, हम इसको इस तरह अपनी गाड़ी के ऊपर अप्लाई करेंगे। अच्छा गाइस, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि 5 मिनट वेट आपने लाजमी करना है, तो इतने टाइम तक हम बाकी जो टायर है हम उसको साफ़ कर लेंगे, ठीक है। वाह भाई, क्लास की चीज़ है भाई, क्लास की चीज़ है। अच्छा, इस टायर के ऊपर मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ, इसकी शाइनिंग आउट क्लास है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा गई, अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा साफ़ है और टायर गंदे हैं तो आप नहीं कह सकते कि मेरी गाड़ी साफ़। इस गाड़ी को मैंने अभी कंपाउंड किया है, ठीक है, कंपाउंड की वीडियो मैं नहीं बना सका क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और इतना टाइम आप लोगों के पास, मेरे पास तो बहुत है, आप लोगों के पास नहीं होगा क्योंकि आप लोगों का टाइम काफ़ी ज़्यादा कीमती है, मैं ज़ाया नहीं करना चाहता।
अच्छा, ये मैं आपको ज़रा दिखा दूँ ताकि आपको वाजह ही पता चले, ठीक है। अच्छा भाई, ये वाला साइड काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, आप इसको देख सकते हो, और ये वाला साइड काफ़ी ज़्यादा जो है शाइनिंग भी करता है और अच्छे से साफ भी हो चुका है। सो गाइस, इसकी कंडीशन अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल आउट क्लास कंडीशन है, ठीक है, अल्ट्रा शाइनिंग है और इसमें शाइनिंग आपको नज़र आ रही है कि शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइस, इसकी कंडीशन अब आप देख सकते हैं, ये देखे देखिए, इसमें आपकी कैमरे की टार्च यहाँ पे नज़र आ रही है और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोडक्ट है, पाकिस्तानी मार्केट में आपको 500 रुपये का तकरीबन मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी है, बाकी आप ख़ुद भी इसको जो है रीड कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैंने वीडियो में आपको बता दी है। अब ये थोड़ा सा साइड रहता है, इसको भी क्लीन कर लेते हैं। सो गाइस, इसकी कंडीशन अब आप देख ले, गाड़ी की भी शाइनिंग अच्छी है, टायरों की भी शाइनिंग अच्छी है, ठीक है, और ये छोटा बच्चा है, इसकी भी शाइनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, ये आप देख सकते हैं, ये सबसे पहले मैंने इसको जो है इसके ऊपर अप्लाई किया था। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।